लेके आया हूँ साउंड का पार्ट सेकंड। अगर आपने अभी तक के साउंड का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए उसको देखिए। उसमें मैंने क्या पढ़ाया था कि साउंड क्या होता है, साउंड कैसे ट्रैवल करता है मीडियम में, और साउंड की स्पीड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो वाला वीडियो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाएंगे ना, तो उस वीडियो से आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, सुपरसोनिक या फिर सुपरसोनिक स्पीड के बारे में, शॉक वेव, और लास्ट में हम लोग सीखेंगे सोनिक बूम क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद नबील और हमारा और आपका ये प्यारा सा चैनल है न्यू स्ट्रीम फिजिक्स। बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी होती है? तो साउंड की स्पीड एयर में क्या आती है बच्चों, 1200 किलोमीटर पर आवर, ये होती है स्पीड। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए आज के टाइम पे ऐसा कोई जेट प्लेन या रॉकेट्स हैं जो इस स्पीड को क्रॉस कर सकते हैं, मतलब इस स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रैवल कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा जी सर कर सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत से ऐसे एयरक्राफ्ट हैं, रॉकेट्स हैं, जो साउंड की स्पीड को भी क्रॉस कर सकते हैं, वो इससे भी ज़्यादा तेज़ क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ऐसा कब हुआ था? सबसे पहले सुपरसोनिक जेट जो बना था वो हमारा कब बना था? तो मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ 1947 में, 14 अक्टूबर 1947 में पहला सुपरसोनिक जेट प्लेन बना था। वो वाला जेट प्लेन जो था हमारा, वो ब्रिटिश और फ्रांस की कंपनी ने मिलकर बनाया था, और जिसको उड़ाने वाले थे यूएस के पायलट। मैंने आपको ये बात क्यों बताई कि पहला जेट प्लेन हमारा 1947 में बना था, जिसने साउंड की स्पीड को भी क्या करा था, क्रॉस करा था, क्योंकि जो आज के हमारे तीनों टॉपिक होने वाले हैं ना, वो इसी बात पे डिपेंड कर रहे हैं, उस सुपर एयरक्राफ्ट या सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट पे ही डिपेंड कर रहे हैं, वो तीनों टॉपिक यहीं से आए हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले है हमारा सुपरसोनिक क्या होता है ये। तो बच्चों ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना जो साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रैवल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। सिंपल सा है, द ऑब्जेक्ट विच ट्रैवल ग्रेटर विच ट्रैवल ग्रेटर विच ट्रैवल्स इंग्लिश के लिए माफ करिएगा, विच द ऑब्जेक्ट विच ट्रैवल ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इज नोन एज सुपरसोनिक। तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपरसोनिक कहेंगे बच्चों। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा है एयर की स्पीड से, साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रैवल कर रहा है, साउंड की स्पीड हमें कहाँ लेनी, एयर में लेनी है। साउंड की स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज ट्रैवल करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपरसोनिक कहेंगे। एंड इट्स स्पीड, और जो उसकी स्पीड होगी बच्चों वो सुपरसोनिक स्पीड कहलाएगी, सुपरसोनिक स्पीड। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह आजकल बन रहे हैं, बुलेट्स वगैरह, और साथ के साथ जो रॉकेट स्पेस वगैरह में जाते हैं उनकी स्पीड भी बच्चों क्या होती है, साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज होती है। तो आपको सुपरसोनिक समझ में आ रहा होगा, जो ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेवल करते हैं उसको क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं शॉक वेव की तरफ। ये शॉक वेव क्या है, अब देखिए जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, जो भी एयरक्राफ्ट उड़ता है वो बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे लार्ज, या फिर ये हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव बनती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉक वेव कहते हैं। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द
मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, जैसे यहाँ पे एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहा हूँ, उसका मतलब यही होगा कि वो एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर रहा है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूसेस एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव विच इज नोन एज शॉक वेव। SW करके लिख दे रहा हूँ, इन शॉर्ट आपको समझ में आ जाएगा। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉक वेव। ये तो समझ में आया होगा कि सुपरसोनिक स्पीड या फिर शॉक वेव क्या होती हैं। बच्चों सोनिक बूम पढ़ाने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट क्लिप दिखाता हूँ, आप पहले उस क्लिप को देखिए फिर मैं सोनिक बूम समझाऊंगा आप। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके पीछे एक गोल गोल आकार का कुछ चक्र सा बन रहा है वहाँ पे। वही बच्चों होता क्या है, हमारा सोनिक बूम होता है। अब वो बनता कैसे है, जब भी हमारा कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से जैसे ही ज़्यादा तेज़ निकलता है, मतलब उसने क्या करा, साउंड की स्पीड को क्रॉस किया। साउंड की स्पीड कितनी होती है, 1200 किलोमीटर पर आर। तो कोई भी एयरक्राफ्ट हमारा या कोई भी रॉकेट जब उस स्पीड को क्रॉस करेगा तो उसके पीछे क्या बन जाएगा, एक सोनिक बूम बन जाएगा। वो सोनिक बूम बनता कैसे है बच्चों, यहाँ पे हमारा इसको समझते हैं हम। द शॉक वेव प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कैरीज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ट्रेमेंडस एयर प्रेशर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस अ लाउड ब्रस्ट ऑफ साउंड कॉल्ड सोनिक बूम। देखिए जो हमारी शॉक वेव होती है ना, जो कि किस वजह से पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की वजह से वो प्रोड्यूस हो रही हैं। उसमें क्या होता है, शॉक वेव के अंदर क्या होता है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है और वहाँ पे जो होता है प्रेशर का ट्रिमेंडस क्या होता है, चेंज आता है। ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या आ रहा है, प्रेशर का चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक लाउड साउंड हमें सुनाई देता है। जैसा आप लोगों ने वीडियो में सुना होगा ना, बूम बूम की आवाज़ आ रही होगी ना, तो जो बूम की आवाज़ आती है ना वही हमारा क्या होता है, सोनिक बूम होता है। मैं आपको एक बार बना करके दिखाता हूँ, जैसे कि हमारा एयरक्राफ्ट बन रहा है यहाँ पे, ये तो सेकेंड जनरेशन का एयरक्राफ्ट बन गया। कोई बात नहीं, एज यू ऑल नो दैट माई आर्ट इज सो गुड, टू गुड, इंग्लिश तो और भी मेरी अच्छी है। इसके पीछे देखिए यहाँ पे ये हमारा सोनिक बूम बन रहा है। अब ये जो है हमारा किस वजह से बन रहा है, इसके अंदर जो शॉक वेव इसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है यहाँ पे जो प्लेन की वजह से, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी और प्रेशर का चेंज बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमें एक लाउड साउंड सुनाई देता है। वही साउंड हमारा क्या होता है, सोनिक बूम होता है। और बच्चों वो जो हमारा साउंड होता है ना, इससे जो प्रोड्यूस होने वाला साउंड होता है ना, वो इतना तेज़ होता है कि अगर वो प्लेन किसी बिल्डिंग्स वगैरह के पास से निकले ना और उसमें शीशे लगे तो शीशे वगैरह भी तोड़ देगा। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा ना, जब कोई भी एयरक्राफ्ट बिल्डिंग वगैरह के पास से गुजरता है तो उसके शीशे देखे कैसे टूट जाते हैं वहाँ पे। तो किस वजह से होता है, इसी की वजह से, सोनिक बूम। उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, शीशे टूट रहे हैं। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो दिखाया था अपने पार्ट फर्स्ट में, जो साउंड का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था मैंने, उसमें दिखाया था कि कैसे एक ग्लास साउंड से टूट रहा है, साउंड की एनर्जी से टूट रहा है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। और ये साउंड इतना ज़्यादा होता है ना कि लोगों के कान तक के ख़राब हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को एक बात समझ में आ रही होगी, या आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये, कि अगर जब ये लोगों के कान ख़राब कर देता है तो जो इसका पायलट होता है ये उसके कान क्यों नहीं ख़राब करता है। तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा सोनिक बूम बना और यहाँ पे आप खड़े हैं, तो ये जो सोनिक बूम का डायरेक्शन होता है ना, हमेशा पीछे की तरफ जो लोग होते हैं उनको सुनाई देता है, जो पीछे की तरफ है उनको सुनाई देगा। अब ये जो पायलट यहाँ पे बैठा हुआ है, पायलट यहाँ बैठा हुआ चला रहा है, वो देखिए इस जो सोनिक बूम की स्पीड है इससे काफ़ी तेज़, एक तो आगे की तरफ जा रहा है, वो ऑलरेडी आगे जाता जा रहा है, तो उसको इतनी सी भी आवाज़ सोनिक बूम की नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वो हमेशा आगे रहता है, किससे, इससे आगे रहेगा वो।
तो आई होप आप लोगों को ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।